हेलो जी, राम राम। कैसन बनी आप सब? आशा कर दिन के बहुत अच्छा से हो। कम सा आप सबके हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत बटे। तो हम बनाओ तीन गाजर के मिठाई एकदम बिल्कुल शुद्ध देसी मिठाई। रहो सब देखी और इंजॉय करी। अच्छा लगे तो जरूर वीडियो के लाइक करम, शेयर करम, सब्सक्राइब कर लेम। और अभी बन गए बटे हमारे, रात की सब्जी तैयार हो चुकल बा। खाना बनल बटे सब्जी या रोटी, और उसके साथ चाहिए कुछ मीठा खाएँ कि मीठा खाए के बहुत दिल करता है। और हम के ना घर में हमारे सबके मीठा के बहुत याद आता है। मिठाई तो बनाना सके नहीं जा, खरीद ना सके नहीं जा इतना, तो घर में जौन सामान बटे वही से हमने की मिठाई बनावे के बटे, मीठा बना के कुछ खाए के बटे। तो सब देख लिया, अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक जरूर कर लें। तो घर के सामान से एकदम बिल्कुल देसी स्टाइल मिठाई खा लें रोवा सब। तो कढ़ाई गर्म हो चुकल बा, कढ़ाई में डले बनी एक चम्मच घी। घी अपन दिल के हिसाब से बटे, ज़्यादा भी डाल सके नहीं। और गाजर हम पहले से धो के सुखा के रख ले रहे हैं, और ओके हम डाला तनी गाजर में तनके पानी नहीं थे, और बिल्कुल थोड़ा सा हुई तो वही पानी बिल्कुल नहीं थे अपने जाने में, पानी पूरा निकाल चुकल बनी। और अब गाजर डाल के और थोड़ा देर से रख के हम चलाई, और गाजर डलला के बाद एक से दो मतलब आदमी जब अच्छे से चलाने के बाद तभी जो पानी अगर गई लेते वो आँच तेज रही तो वैसे पानी उड़ गई, पानी निकल गई। और उसका बाद से इनका तो ढके के बटे गाजर ढकड़ा के वजह से ये बटे कि गाजर जब भी हरी ढक दे गई तो गाजर जो बटे वो सॉफ्ट हो गई, मुलायम हो गई, ये वजह से उसे ढके के बाद। और जब दो बार ढक चुकम, ढक लेवल जी एक बाद से एक में डाले के बटे गुड़। और गुड़ देख ली सभी जितना गाजर रही वही हिसाब से गुड़ रही। गुड़ जब बहुत ज़्यादा खाए मतलब बानी तो गुड़ ज़्यादा रही, अगर जब थोड़ा सा भी गुड़ खाए के बटे तो थोड़ा सा गुड़ रही। और अगर गुड़ के बस ऐसे डाले के बटे तो आप चीनी भी डाल सके नहीं, लेकिन गुड़ के में एक जो कलर बटे बहुत अच्छा आवेला, गुड़ के स्वाद भी अच्छा लगेला। और गुड़ चीनी से ज़्यादा मतलब फ़ायदा करेला, नुकसान ना करिए वजह से गुड़ बा। और घर में अगर ये दूगो सामान बटे तो सब पूरा परिवार के बच्चा सब में बच्चा बूढ़ा घर के सभी सदस्य भी बहुत अच्छा से मिठाई शुद्ध देसी मिठाई खा सके नहीं। और एक खातिर कोनो ताम झाम नहीं के कहीं आवे जाए के नहीं के, और जल्दी से जल्दी यानी 12 से 15 मिनट में ही घर में ही तैयार हो जाए एकदम देसी स्टाइल मिठाई। आप सब जब चाहे दिन में रात में कभी भी खा सके नहीं। और प्रोसेस देखत रहेंगे, गाजर थोड़ी देर चलाओ रहा ढक्कर रहा, और जब सॉफ्ट हो गए ओकर बाद से हम डलने हैं गुड़। और गुड़ डलने के बाद तुरंत पानी डाले के बाटे, पानी वजह से डाले के बाद आँच तेज रहला और गुड़ जिस ही जाई तो गुड़ जलल शुरू हो जाला, और पानी डाल दें तो गुड़ जली ना वो गलल शुरू हो जाई। तो ये सब बहुत ध्यान रखम कि गुड़ जले के ना चाहिए, गुड़ के गलावे के बटे। और अगर ये खाना हमारे मम्मी बनेती ये मिठाई तो वो पानी ना डलती, और उनका आपन टेक्निक बटे पानी ना डलने के। हम पानी ऐसे डाल देंगे कि आँच बहुत तेज रहला, थोड़ा सा आँच तेज की वजह से गुड़ जले के चांस रहला, ये वजह से आप भी एक चम्मच दो चम्मच पानी डाल लें, पानी बहुत ज़्यादा ना रही। और गुड़ के फोड़ दी, फोड़म तभी भी जल्दी ना फोड़म तभी भी जल्दी, लेकिन हमारा कि कोई काम धाम नहीं के तो हम बस बैठ के उनका फोड़ रहा बनी। जब वैसे भी गुड़ गल जी, गुड़ गलला के बाद से खोले लगी ये देख ली, और इतना खोली कि गुड़ मतलब खोलत खोलत गाजर के अंदर से जो भी पानी बटे वो पानी बाहर निकल आई, और बहुत ज़्यादा ऐसे लगी कि बहुत ज़्यादा पानी डाल बा एकदम जूस की तरह। और सब अगर बनाएम तो ये खुद भी महसूस करम कि पानी बिल्कुल उड़ चुकल बटे, और जो गाजर के पानी बा वो बाहर निकल आई, और गाजर जो बटे वो सूख के एकदम अजीब तरीका से हो जाए, और ओकरा अंदर गुड़ के टेस्ट और गुड़ के स्वाद भी अंदर आराम से चल जी। तो वह सब देखी कि कितना पानी निकल बटे गाजर से, और ये सब पानी के उड़ावे के बटे यानी ऊपर भेजे के बटे, यानी बस गुड़ रही। और गाजर के भी पानी बा, गुड़ भी गले ला तो पानी हो जाए, ये वजह से पानी ही पानी भइल बटे ओकरा में। ऐसा लागत कि हमनी के गुड़ और पानी के सब्जी बनावत नहीं जा, गुड़ और गाजर के सब्जी बनावत नहीं जा, लेकिन सब्जी ना बहुत देसी स्टाइल मिठाई है, सब इंजॉय करम खाई। और कभी भी खा सके नहीं दिन में रात में, और लेकिन हाँ एक ही खाए के बस एगो बहुत अच्छा तरीका ये बटे कि गरम गरम ही खाई जला, गरम गरम ले ली ही और धीरे धीरे एक एक गो निकाल निकाल के खाई, तब जाके एक स्वाद पता चली, एक टेस्ट पता चली। काहे कि ठंडा होकला के बाद से तो कभी ना ही खा सकेला इंसान एकरा के, कहें कि बहुत ज़्यादा एक में खिंचाव होकेला गुड़ में, रो सब समझ सकल बनी कि गाँव में जौन देसी स्टाइल तिलवा बनेला बस इसी ही बटे, जैसे तिलवा के हमनी के फोड़ फोड़ के खाने जाए वैसे ही इनकरों के बहुत अच्छा से फोड़ फोड़ के खाए के पड़ी ये वजह से। तो वो कुल तरीका अच्छा नहीं के, सबसे अच्छा है कि गरम गरम ही सर्व कर दी, और हल्का हल्का जब गरम रहे तबे खाए शुरू करी, बच्चा बूढ़ा सभी खा सके नहीं, कोनो दिक्कत नहीं के। तो भाई हमने के ये बनावा तो नहीं जाता, हम सोचने चले रहो सबसे आप शेयर कर देते नहीं। और दो तीन बूंद नींबू डाल दे मेरा में, नमक एकदम ना पड़ी, नमक के कोनो में रोल नहीं के।
अभी हम चला रहल बनी। इमें सबसे मेन रोल बटे चलावे के, जितना हो सके चलावे के बटे। आँच आप तेज करी कम करी, जब बनावा समय खुद मैनेज हो जाला ई कुल। अब बस ध्यान रखम जो मिठाई बटे घर के बहुत ही, या तो मम्मी लो दीदी लो के बनावा से, या फिर पापा पापा, लेकिन भूल से भी छोट बच्चा आगे पीछे ना आवे, काहे कि कढ़ाई भी गर्म होखेला और गुड़ ऐसा चीज़ है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर छू आ जाए तो फिर हालत ख़राब कर दी। ये वजह से बच्चा लोग से दूर रखम ई कुल बनावा समय, और खास करके बच्चा अगर गैस के पास ना रह सन तो बहुत अच्छा बात बटे। तो इस तरीका चलावे बटे, हमेशा चलावत रहे। एक बार चलावे वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा बा एकरा के बनावे में, कहें कि जैसे ही अगर चलावल छोड़ दें तो फिर गुड़ नीचे लाग जाई, यानी कि जल जाई, और फिर गुड़ जन बटे जले वाला स्वाद दी, और जले वाला स्वाद बिल्कुल ही अच्छा ना लगी। और वह सब कहूँ कि का बतावल बटे अच्छा निकला बिल्कुल, लेकिन बस कोशिश ही करम कि गुड़ जले मत, जितना भी गुड़ ना जली। और हाँ, ये जो मिठाई बटे ना ओके गाजर के हलवा फेल हो जाए, काहे कि एक में ना दूध मलाई खोवा ये सब कुछ भी ना पड़ी। ये वैसे एकदम शुद्ध बटे, ऐसा कोनो चीज़ नहीं की जो उनके नुकसान करी। और गुड़ तो वैसे ही खाए के चाहिए, सब जाना था कि गुड़ कितना फ़ायदा करेला। और गाजर भी यही बहाने, बच्चे भी गाजर खा लिया हम लोग, कहें कि बहुत बच्चा लोग खेलन लोग कि गाजर ना खा लन लोग, तो मिठाई के नाम पर हम बच्चन की तो यही बना के खिला देते नहीं। कहीं भाई सब जानता, छोटे छोटे बच्चों भी जानता कि लॉकडाउन चलता, कोरोना वायरस से बच के रहे के बाद घर से बाहर ही नहीं के निकले के, और कोनो मिठाई से ठाई सब कुछ मिलते नहीं के, तो बच्चा खैन लोग का। तो ये वजह से ही घर में बैठल बैठल कुछ ना कुछ अलग अलग तरीक़ा से कुछ बनत रहता, ताकि बच्चा भी बच्चन के टाइम पास हो सके और बोर मत हो लो कि घर में रहत रहत और घर के खात खात। तो वो सब भी बना के जरूर ट्राई कर लें। और बस हम पहले ही बता देनी कि जितना हो सके चलाई, चलेला के बाद से खुद से देख ली कि फाइनल लुक कैसे रही और बहुत ही अच्छा लगी। और ये हल्का सा ये ध्यान रखम कि कढ़ाई जोन बटे बिल्कुल पतला ना हो के चाहिए, थोड़ा सा मोटे तली के कढ़ाई में बनाई मिठाई के, इस शुद्ध मिठाई के, और बहुत ही अच्छा लगी बिल्कुल अब देख सके नहीं। और जितना अच्छा ही देखे में लगा था उतना अच्छा खाए में लगा था। और अभी फिलहाल में हम अपने पिताजी खातिर सर्व करतनी निकालतनी, और अभी तक खाए का टाइम हो चुकल बा, सब्जी रोटी हमारे बन चुकल बटे, और अभी मीठा हमारा के ये भेजे के बटे। तो जब तक पापा हमारे खाना खाई हैं तब तक उनका कहें ये वाला हमारे डिश पहुँच जाइए और ये खा ली हैं, तो यानी कि उनका खाना खात खात ये एकदम मतलब हल्का सा ठंडा हो जाए और फिर ही आराम से खा सके लें। और ठंडा होकला के बाद भाई कोनो पहले ही बता देते नहीं, ठंडा होकला के बाद ही केहू ना करा के खा पाई। ध्यान रखम जले से, क्योंकि बहुत गर्म होखेला ये पूरा गुड़ के वजह से, पूरा कढ़ाई भी गर्म होखेला और खाना भी रेसिपी भी बहुत गर्म होखेला। इस चीज़ के बहुत विशेष ध्यान रखम जले वगैरह के, और पूरा सावधानी बरतम ताकि जली ना। अगर वीडियो जो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करम, शेयर करम, और अपन फैमिली रिश्तेदार में शेयर जरूर कर दे अगर अच्छा लगे। तो लॉकडाउन में कुछ ना कर सके नहीं, इतना करिए सके नहीं, ये कुल बनाई खाई इंजॉय करी, घर परिवार में रही, सेफ रही, सुरक्षित रही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्रणाम।